नमस्कार, मोहन शर्मा, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा 2019 के उत्तर प्रदेश में भी उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट के साथ सियासी पारा चढ़ गया है और इस समय दावा करा जा रहा है कि कन्नौज से कौन लड़ेगा, तो इसका खुलासा कर चुकी है अब सपा की सरकार। कन्नौज से लड़ेंगी अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव और उनके सामने होगा सबसे बड़ा चैलेंज सुब्रत पाठक का। सुब्रत पाठक बीजेपी पार्टी के नेता हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता वाली बीजेपी सरकार जीतेगी या फिर डिम्पल यादव पर जो इतना भरोसा जताया गया है वो जीतेंगी, क्योंकि डिम्पल यादव लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं और अच्छा खासा इन पर लोगों का ध्यान जाता है। जब ये रैली करती हैं तो लोगों को काफ़ी प्रभावित करती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या जो कन्नौज के लोग हैं वो सुब्रत पाठक को जिताते हैं या फिर अब की बार फिर से सरकार में आएगी डिम्पल यादव। तो सपा की सरकार वर्सेस यहाँ पे भाजपा की सरकार, कौन बनेगा अब की बार यहाँ का सत्ताधारी? ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आई न्यूज़ इंडिया पर।